तो दोस्तों फाइनली Realme X2 Pro की फर्स्ट लुक और हैंड्स ऑन फोटो और हैंड्स ऑन वीडियो बाहर आ गई है और उसके साथ ही स्मार्टफोन का लगभग फुल स्पेसिफिकेशन भी बाहर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 90 GHz का डिस्प्ले जैसा कि OnePlus 7T Pro में हमें देखने को मिला था और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला Snapdragon 855 का प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और 15 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और कब तक इस स्मार्टफोन को कितने प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन से। तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला बहुत ही बेहतरीन डिजाइन जैसे कि ओप्पो रेनो 2 में देखने को मिला था। बैक साइड में आपको ग्लास फिनिशिंग देखने को मिलने वाला है जो कि आने वाला गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ और उसके साथ ही दोस्तों बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 90 GHz का डिस्प्ले जैसा कि OnePlus 7T Pro में हमें देखने को मिला था और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलने वाला है जो कि आने वाला 25 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे के साथ। अब बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 855 का प्रोसेसर जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है जैसा कि OnePlus 7T Pro में देखने को मिला था। तो दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और OnePlus 7T Pro जैसे स्मार्टफोन को टक्कर देने वाला है क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन का प्राइसिंग बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, OnePlus 7T Pro से बहुत ही ज्यादा, यानी कहे तो उसका आधा रहने वाला है। और अब बात कर लेते दोस्तों स्मार्टफोन की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट जो कि आने वाला 64 मेगापिक्सल के सैमसंग के GW1 के सेंसर के साथ और उसके साथ ही यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 8 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। और अब बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 4000mAh की बैटरी जो कि आने वाला है 15 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ जो कि आपके फोन को 30 मिनट के अंदर ही फुल चार्ज कर देगी। तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसा स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे थे जो कि आपके टाइम को बहुत ही सेव करे और बहुत ही जल्दी तरीके से आपके फोन को चार्ज कर दे, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चॉइस होने वाला है। और फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का स्टार्टिंग प्राइस आपको 25,000 rupees से 26,000 rupees के बीच में रहने वाला है जैसा कि बिग बिलियंस डे सेल में Redmi K20 Pro का प्राइस 25,000 rupees के करीबन था। तो दोस्तों इसी तरह से आपको इस स्मार्टफोन का प्राइसिंग 25,000 rupees के करीबन स्टार्टिंग देखने को मिलने वाला है और इस स्मार्टफोन का हायर वेरियंट आपको 32,000 rupees के करीबन देखने को मिल जाएगा जो कि 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला है। और अब फाइनली बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को चाइना के अंदर 15 अक्टूबर को लॉन्च किया जाने वाला है और उसके बाद ही स्मार्टफोन को अप्रोक्स नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और रिलीज डेट जो कि मैंने इस वीडियो में आपके संग डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ